Xiaomi Mi 11 Lite वीडियो टेस्ट। तो आज मैं स्पेशली इस Xiaomi Mi 11 Lite का एक वीडियो टेस्ट करूँगा। हम चेक करेंगे कि इसमें वीडियो का जो पिक्चर साइज है, जो क्वालिटी टाइप्स है, वो आपको इसमें कैसा मिलेगा अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं या तो सोच रहे हैं। ओवरऑल ये जो Mi 11 Lite है, ये दो वेरियंट्स में अवेलेबल है। 6 GB रैम, 128 GB स्टोरेज। सेकेंड है 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज। तो ये वाला जो वेरियंट है, इट्स 6 GB रैम, 128 GB का स्टोरेज, कॉस्ट ऑफ ₹22,000, विच इज़ अवेलेबल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इन बोथ प्लेटफॉर्म। जब भी हम एक स्मार्टफोन परचेस करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा मेन पॉइंट होता है कि यार जो स्मार्टफोन हम परचेस कर रहे हैं उसमें वीडियो क्वालिटी कैसा मिलेगा, कैमरा क्वालिटी कैसा मिलेगा, जो हमारा व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो हमें कैसा मिलेगा, इंटरफेस कैसा मिलेगा। सो इट्स कम्प्लीटली और भी सारी का क्वेश्चन है, बट जो मेन चीज़ होता है वो यही होता है। तो ऐसे में एक स्मार्टफोन लेते वक्त वीडियो क्वालिटी का टेस्ट होना, वीडियो का पिक्चर कैसा होगा वो सब चेक करना भी ज़रूरी होता है। तो स्पेशली अगर आप इस डिवाइस को परचेस करना चाहते हैं, तो परचेस करने का सोच रहे हैं, तो लेट मी शो यू कि इसमें एग्जैक्ट आपको वीडियो का पिक्चर साइज़, क्वालिटी साइज़ कैसा मिलेगा। तो ये चेक करने के लिए मैं इसमें कुछ वीडियोस को प्ले करूँगा, 4K वीडियोस को प्ले करूँगा, जिससे कि आपको एनालाइज करने में ईजी होगा कि पिक्चर साइज़ कैसा मिलता है, पिक्चर का क्वालिटी कैसा मिलता है। तो इसके लिए मैं नॉर्मली जाऊँगा यूट्यूब पे एंड कोई भी एक रैंडम से वीडियोज़ को प्ले करूँगा। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप ब्राइटनेस कैसा रखते हैं। जितना ज़्यादा ब्राइटनेस रखेंगे उतना आपको पिक्चर क्वालिटी में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो लेट्स पहले मैं सबसे पहले इसका मिनिमम वाला यानी कि 20% तक इसका ब्राइटनेस रखता हूँ एंड चेक करते हैं कि 20% में कैसा पिक्चर क्वालिटी दिखता है। तो लेट मी सेट एन हाई रेजोल्यूशन, सो 2160 FPS, लेट्स चेक। तो ये जो ब्राइटनेस है, बिकॉज ब्राइटनेस के ऊपर ही मोस्टली पिक्चर क्वालिटी डिपेंड करता है और हमें पिक्चर का जो एक्सैक्ट क्वालिटी है वो उस पर मोस्टली हमें डिपेंड करता है, राइट। सो लेट मी चेक। तो ये जो ब्राइटनेस, अगर 20% ब्राइटनेस हो सकते हैं 4K वीडियोस में, सो इट विल लुक लाइक दिस। सो लेट्स इसको जरा मैं टर्न कर देता हूँ लाइक दिस। और अभी जो एग्जैक्ट पोजिशन है 90 डिग्री में, सो 90 डिग्री में यू कैन सी द पिक्चर क्वालिटी। ओ सॉरी, ये नॉर्मल मोड में, ये मोबाइल के हिसाब से 90 डिग्री होगा, सॉरी। सो यू कैन सी कि यहाँ पर जो क्वालिटी मिल रहा है इट्स कम्प्लीटली विजिबल। मोस्टली स्मार्टफोन में नोटिस किया होगा कि जब भी आप स्मार्टफोन को इस तरीके से स्टैंड करते हैं तो जो पिक्चर का क्वालिटी है वो अपर साइड में डार्क दिखता है, बट इन Mi 11 लाइट यू कैन सी वेरी क्लियरली। ये 90 डिग्री के ऊपर है मोबाइल के हिसाब से, यानी कि रिकॉर्डिंग मोड में कर रहा हूँ तो इसलिए आपको थोड़ा प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, बट ये 90 डिग्री से भी थोड़ा आगे मैंने ढकेला है जिसकी वजह से और भी यू कैन सी स्टिल सी इज विजिबल। अब जरा ब्राइटनेस को मैं 50% करता हूँ एंड लेट मी प्ले सम डिफ। ओके सो इट्स 50%, लेट मी शो यू। सो एग्जैक्ट इज 50%। जब 20% ब्राइटनेस पे पिक्चर दिख रहा था प्रॉपरली तो 50% में और ज़्यादा क्लियर दिखेगा, बट ब्राइटनेस रेट थोड़ा बढ़ जाएगा एंड स्क्रीन पे थोड़ा ज़्यादा ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। पिक्चर इट्स स्टिल विजिबल। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अब
तो ये था कुछ मॉर्निंग टाइप वाला 4K वीडियो। अब नाइट वाला 4K वीडियो प्ले करते हैं जिसमें और थोड़ा मालूम पड़े। अब ये जो है ये 4K का नाइट मोड वाला वीडियो है, तो इसमें देखते हैं कि क्वालिटी कैसा मिलता है। तो ये जो मोड है ये 4K वाला मोड है एज यू कैन सी, और नाइट मोड में और तो पिक्चर क्वालिटी अभी भी बेटर है और कोई भी इसमें डार्कनेस जैसा या तो ब्लरनेस जैसा यहाँ पर डिस्प्ले पे विजिबल नहीं हो रहा है। अगर मैं टर्न भी करूँ सो इट्स स्टिल इट्स वेरी क्लियर, दैट्स गुड। अब इसमें थोड़ा गेम का भी देख लेते हैं कि गेम प्ले करते वक्त इसमें पिक्चर क्वालिटी कैसा मिल जाता है। सो इट्स डिपेंड, यहाँ पर जो ब्राइटनेस है अभी एग्जैक्ट 50% है, जस्ट 50%। तो जो वीडियो क्वालिटी के साथ साथ साउंड क्वालिटी मैटर करता है कि साउंड कैसा मिलता है। ये जो साउंड है ये इस ML लाइट का पूरा मैक्स्ड वाला साउंड है, पूरा वॉल्यूम फुल है। तो गेम प्ले में साउंड थोड़ा सा कम आता है, यू कैन सी दैट। अब यहाँ पे इंडोर साइड में थोड़ा साउंड कम आ रहा है तो आउटडोर में थोड़ा और प्रॉब्लम हो सकता है। तो लेट जरा इसमें कुछ मैं सॉन्ग को भी प्ले करता हूँ जिससे और थोड़ा इसके क्वालिटीज़ के बारे में पता चले। स्पीकर अभी उस साइड है, साउंड क्वालिटी इसमें एवरेज मिलता है और नॉट गुड, नॉट बेस्ट, नॉट बैड, दैट्स इट, बट गुड या ओवरऑल। सो अगर आप इस ML11 लाइट में ये भी चेक करना कि अगर आप इसे वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कौन कौन से मोड्स के ऑप्शन इसमें मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी कैमरा के ऑप्शन में हूँ एंड क्या वीडियो अभी वीडियो के सेक्शंस में जाता हूँ। तो अगर आप वीडियो के सेक्शंस में जाएंगे तो यहाँ पर थ्री डॉट आइकन दिखेगा एंड यहाँ पर आपको ये सारी क्वालिटीज़ मिलते हैं, आप इस क्वालिटीज़ में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है 720 FPS, 720p रेजोल्यूशन 30 FPS, सेकेंड है 1080p रेजोल्यूशन एंड 30 FPS, देन इसके बाद नेक्स्ट है 1080p रेजोल्यूशन 60 FPS एंड देन लास्ट में है 4K रेजोल्यूशन 30 FPS। तो 4K क्वालिटी में अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता है कि वीडियो कितना क्लियर आता है। तो MI11 लाइट में 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है और इसके साथ भी आपको यहाँ पर और भी सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिसका यूज़ करके आप अपने वीडियो को और भी ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। तो इसकी वीडियो क्वालिटीज़ के रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा, सो वेट फॉर दैट वीडियो, और साथ ही मैं इसके कैमरा क्वालिटीज़ को लेकर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। सो ये दोनों टॉपिक को लेकर,
बट अभी फिलहाल ये सिर्फ एक नॉर्मल सा वीडियो टेस्ट था। तो वीडियो टेस्ट में यही कि देखिए नॉर्मल बेसिस पे जो वीडियो मैंने प्ले किया तो मुझे पहली बात तो कोई भी ऐसा डार्कनेस दिखा नहीं, पिक्चर क्वालिटी परफेक्ट लगा और यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं इस डिवाइस में स्विच कर रहा हूँ, इसके कैमरा क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी की वजह से, सेकेंड इसके लुक की वजह से। तो MI 11 लाइट ये आपको इसमें मतलब 64 मेगापिक्सल का कैमराज है, 8 मेगापिक्सल का कैमराज है और 5 मेगापिक्सल का कैमरा से, टोटल 3 कैमराज इसमें अवेलेबल है। तो इस MI 11 लाइट के रिलेटेड आपको क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेरीज है, क्या टॉपिक्स है, इसके रिलेटेड आप जानना चाहते हैं, यू गाइस कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।